हेलो एवरीवन, तो इस शॉर्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज रेड कलर इज यूज फॉर द डेंजर सिग्नल्स बाय। आपको पता है रेड कलर की वेलोसिटी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी डेविएशन, बेंडिंग, डिस्पर्जन सबसे कम है, दूर से नजर आ जाएगा, इस वजह से डेंजर सिग्नल्स को बनाया जाएगा रेड कलर में। अगला क्वेश्चन बनता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं जबकि प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर पाते हैं। स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जबकि प्लैनेट्स के केस में हम देखते हैं कि प्लैनेट्स अर्थ के कंपैरेटिवली पास हैं और प्लैनेट्स बने होते हैं स्मॉल पॉइंट लाइट सोर्स से, तो अगर ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा भी तो वो नलीफाई हो जाएगा प्लैनेट्स के ब्राइट बैकग्राउंड के साथ। दैट्स व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एज लाइक स्टार्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है द डे वुड बी 4 मिनट शॉर्टर इफ द अर्थ डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अर्ली मॉर्निंग 2 मिनट्स के लिए जो आपको सन दिख रहा है वो एक्चुअल में सन नहीं है, उसकी अपेरेंट इमेज है, और सनसेट के टाइम पे जो लास्ट के 2 मिनट आपको सन दिखा वो भी सन नहीं था, वो उसकी अपेरेंट इमेज थी, और ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू फिनोमिना कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो 2 मिनट इन अर्ली मॉर्निंग, 2 मिनट इन लेट नाइट, हम ये मान के चलते हैं कि 4 मिनट्स का हमें एडवांटेज मिला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से और हमें सन ज्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रेनबो टू अकर। रेनबो आपको पता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है, और नेचुरल स्पेक्ट्रम बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे एयर में वॉटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हों। ये तभी पॉसिबल है कि अगर बारिश आए और बारिश के इमीडिएटली बाद सनलाइट, धूप निकल आए तो ये पॉसिबल हो सकता है। एंड ऑब्वियसली रेन ड्रॉप का साइज अगर काफी बड़ा होगा तो रेन ड्रॉप सस्पेंड नहीं होगी, अगर काफी कम होगा, रेन ड्रॉप का साइज छोटा होगा, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में वेपोराइज हो जाएगी। तो रेन ड्रॉप का साइज भी बहुत मैटर करता है रेनबो फॉर्मेशन के लिए। अगर फिनोमिनास की बात करें कि कौन से फिनोमिनास रिस्पॉन्सिबल हैं रेनबो फॉर्मेशन के लिए, तो एक फिनोमिना आता है रिफ्रैक्शन, एक फिनोमिना आता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक फिनोमिना आता है डिस्पर्जन, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट कन्वर्ट होती है 7 कलर्स में। कंपेयर द वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड डेविएशन पैटर्न ऑफ विबग्योर। आपको पता होना चाहिए कि वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग, वॉयलेट कलर का डिस्पर्जन, बेंडिंग सबसे ज्यादा है, जबकि रेड कलर की स्कैटरिंग, रेड कलर की डेविएशन, रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम है। तो अगर एग्जाम में आए वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो रेड टिक करेंगे, और अगर एग्जाम में आए डेविएशन, डिस्पर्जन, बेंडिंग किसकी ज्यादा है, तो हम टिक करने वाले हैं वॉयलेट को। तो विबग्योर पैटर्न में जैसे ही हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो डिस्पर्जन, डेविएशन डिक्रीज होगी जबकि वेलोसिटी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम जा रहे हैं रेड कलर से वॉयलेट कलर की तरफ, सो वेलोसिटी और वेवलेंथ कम होगी और डेविएशन, डिस्पर्जन, बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के। हमने पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट किए हैं। गुड लक।